दोस्तों, अगर आपका भी YouTube चैनल मोनेटाइज हो गया है और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और एडसेंस वेरिफिकेशन भी कर लिया है, तो अब जो है आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड करना होगा, ताकि जो भी आपका YouTube से अर्निंग हो या एडसेंस अकाउंट में जो भी अर्निंग हो वो आपके बैंक में आ सके। तो उसके लिए जो है आपको बैंक अकाउंट ऐड करना होगा। तो अगर आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड करने नहीं आता है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एक सही तरीका से कैसे अपने बैंक अकाउंट को ऐड कीजिएगा। तो बने रहिए वीडियो में। दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। दोस्तों, बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है और कैसे ऐड कीजिएगा, टोटल जो है आज की इस वीडियो हम आपको क्लियर कर देंगे। तो सबसे पहले जो भी चीज़ उसमें लगती है बैंक अकाउंट ऐड करने में, तो वो जो है आपके पासबुक पे रहता है। IFSC कोड, अकाउंट नंबर और अकाउंट होल्डर का नाम और जो भी बैंक है आपका उसका नाम तो आपके पासबुक पे रहता है, बट जो भी स्विफ्ट कोड लगता है, जो स्विफ्ट कोड होता है वो जो है आपके पासबुक पे नहीं रहता है। तो स्विफ्ट कोड होता क्या है और कहाँ से मिलेगा, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, स्विफ्ट कोड जो है मतलब जो अलग अलग कंट्री से हमारा जो है पेमेंट आता है, यानी कि दूसरे कंट्री से पैसा भेजना होता है, तो उसके लिए जो है स्विफ्ट कोड की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए जो है स्विफ्ट कोड आपको डालना ज़रूरी है, क्योंकि नहीं डालिएगा तो होगा ही नहीं। तो ये तो रहा से स्विफ्ट कोड होता क्या है, लेकिन स्विफ्ट कोड कैसे मिलेगा आपको। तो स्विफ्ट कोड जो है, एक तो आपको जो है बैंक में जाना है और मैनेजर से बोलना है कि भैया या सर, हम वीडियो बनाते हैं, हमको जो है स्विफ्ट कोड की ज़रूरत है, हम यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, हमारा पेमेंट जो है रुक गया है, उसके लिए स्विफ्ट कोड चाहिए। तो बैंक से आप आसानी से ले सकते हैं, लेकिन बैंक से अगर नहीं मिलता है तो आप यूट्यूब पे सर्च करके बहुत से ऐसे वीडियो है जो स्विफ्ट कोड कहाँ से मिलेगा वहाँ से ले सकते हैं। अगर आप कमेंट कीजिएगा तो इस पे हम एक वीडियो बना देंगे स्विफ्ट कोड आपको कहाँ से मिलेगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, ले चलते हैं अपने स्क्रीन पर और आपको बताते हैं कि अपने बैंक अकाउंट को कैसे ऐड कीजिएगा। तो दोस्तों देखिए, हम आ चुके हैं अपने गूगल एडसेंस के होम स्क्रीन पर और जो है हम ये अपने जो है प्रोसेस जो है अपने कंप्यूटर में कर रहे हैं, और आप ये जो है आप प्रोसेस अपने मोबाइल में भी कर सकते हैं। सेम प्रोसेस है, गूगल क्रोम को ओपन करके और जो है कर सकते हैं। तो जो हमें जो है अपना मतलब बैंक अकाउंट ऐड करना है, तो बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए देखिए, यहाँ पे सबसे पहले अभी जो है हम होम स्क्रीन पे है, तो यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आया, ठीक है, पेमेंट इन्फो, ठीक है। तो यहाँ पे पेमेंट इन्फो पे आपको क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे नीचे आना है आपको। जब नीचे आइएगा तो देखिए यहाँ पर लिखा है ऐड पेमेंट मेथड। जी हाँ दोस्तों, हमें बैंक अकाउंट जो है अपना ऐड करना है, तो उसके लिए जो है यहाँ पे ऐड पेमेंट मेथड पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे लिखा है ऐड पेमेंट मेथड टू रिसीव योर अर्निंग, यानी कि आपका जो है पेमेंट जब अकाउंट इसमें ऐड कीजिएगा तभी जो है आपका अर्निंग आपको रिसीव हो पाएगा। तो ऐड करने के लिए यहाँ पे ऐड पेमेंट मेथड पर क्लिक करना है। जब यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे कुछ लोडिंग ले रहा है, बफरिंग कर रहा है अभी। तो यहाँ पे देखिए जो है हमारा प्रोसेस जो है यहाँ पे पूरा खुलकर और यहाँ पे आ गया है। तो ये जो है पूरा जो है जितना दिखाई दे रहा है टोटल जो है हमें फिल करना है, यानी कि भरना है। तो मैं बता दूँ इसमें क्या क्या भरना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है, तो इसमें कुछ नहीं भरना है, ठीक है। यहाँ जो ऑप्शनली है, यानी कि आप इसमें भर सकते हैं यानी तो छोड़ भी सकते हैं, इसका कोई ज़रूरी नहीं है। उसके नीचे सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिख रहा है नेम ऑन बैंक अकाउंट, तो आप जो है यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट का जो भी नाम है आपका बैंक अकाउंट में, बैंक अकाउंट होल्डर का, यानी कि जिसका खाता इसमें ऐड कीजिएगा उनका नाम डालना है, ठीक है। और उसके नीचे देखिए बैंक नेम लिख रहा है, जो भी बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक का नाम यहाँ पे डालिएगा। और उसके जस्ट नीचे देखिए लिख रहा है IFSC कोड, यानी कि जो भी आपका बैंक अकाउंट का जो है IFSC कोड होगा, आपके पासबुक में लिखा होगा, वो IFSC कोड यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों लिखा है स्विफ्ट कोड, यानी कि स्विफ्ट BIC लिखा है। तो स्विफ्ट कोड आपको जो है हम पहले ही बता दिए, आपको बैंक अकाउंट से मिलेगा, बैंक अकाउंट में जाना है और आपको जो है मैनेजर को बोलना है कि भैया हम एक यूट्यूबर हैं, वीडियो बनाते हैं और हमारा जो है पेमेंट रुक गया है, उसके लिए स्विफ्ट कोड की ज़रूरत है, तो वो दे देता है। हम भी गए थे अपने बैंक अकाउंट में उनसे जो है लिए हैं। उसके नीचे यहाँ पे देखिए अकाउंट नंबर आपको डालना है, ठीक है, अकाउंट नंबर डाल देना है। उसके बाद नीचे फिर लिखा है रीटाइप अकाउंट नंबर, यानी कि जो अकाउंट नंबर इसमें डालिएगा वो एक बार और नीचे डालना है, सेम दोनों अकाउंट नंबर एक ही रहेगा, मतलब दो बार डालना है आपको। वो ये सब डालने के बाद आपको जो है पहले हम फिल करके दिखा देते हैं। दोस्तों ये टोटल चीज़ मतलब फिल करने के बाद आपको जो है एक बार मिला लेना है, अच्छे से देख लीजिएगा ताकि जो है कुछ गलत नहीं ना है। उसके बाद मिलाने के बाद आपको जो यहाँ पे अगर टिक रहेगा तो टिक रखना है, अगर टिक नहीं रहेगा तो यहाँ पे टिक रख देना है, ठीक है। ये रखने के बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। तो एक बार हम जो है अपना मिला लेते हैं, तो यहाँ पे हम मिलाने के बाद यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हम सेव कर देते हैं। जब सेव कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए बफरिंग कर रहा है, यहाँ पे लोडिंग ले रहा है, कुछ आपको वेट करना है।
तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो है लिख रहा है, मतलब हमारा जो है यहाँ पे नाम दिखा रहा है और यहाँ पे अकाउंट नंबर का जो है लास्ट का 4 डिजिट मतलब नंबर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जब मैनेज मेथड पे क्लिक कीजिएगा पेमेंट मेथड पे, तो यहाँ पे आपको जो है देख लीजिएगा यहाँ पे आपका जो है प्राइमरी दिखाई देगा। तो इसका मतलब जो है आपके अब अकाउंट में जब भी जो है आपका पेमेंट आएगा तो डायरेक्ट आ जाएगा, जब मानिए कि $100 कम्प्लीट हो जाएगा तो आपके अकाउंट में डायरेक्ट पेमेंट आ जाएगा। और यहाँ से जो है आप ऐसे जो है आप आसानी से अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे और भी दिया है ऐड करने के लिए, कर सकते हैं, इसे रिमूव करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, एडिट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। तो ऐसे जो है आप अपना बैंक अकाउंट अपने एडसेस अकाउंट में ऐड कर सकते हैं, यानी कि जोड़ सकते हैं। तो यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।